आप सभी लोगों का तलपति विजय की फिल्म लियो के डे नंबर वन के एडवांस बुकिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज का एपिसोड आराम से देखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैक्सिमम व्यूअर्स जो है अपने नॉर्थ की ऑडियंसेस है, साउथ से भी लोग देखते हैं एपिसोड्स, लेकिन ध्यान से सुनना जो स्टार्टिंग के दो मिनट क्या बोलने वाला हूँ। 100 करोड़ पहले दिन, पूरे विश्व भर में 100 करोड़ किसी भी दिन देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंड यहाँ पर वन इज अ स्टार पावर एंड द सेकेंड इज आइडल वर्शिप। सुपरस्टार स्टार्स तो इस देश ने बहुत देखे हैं, लेकिन स्टार्स हु हैव बिकम आइडल एंड उनकी जो पूजा है, उनको जो पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडल वर्शिप। साउथ में एक ऐसा नाम जो कि ये फैन पावर जो है वो कमांड करता है, जिसके मुट्ठी में उनके फैंस है एंड जो अपने फैंस को कभी उदास नहीं करता, उसमें एक बहुत बड़े नाम है नारायण तलपति विजय। अगर आप उनकी पास्ट फिल्में देखो, अगर मैं बीस्ट को ले लूं, बहुत ही मिड फिल्म थी, मुझे तो बहुत ही ठीक ठाक फिल्म लगी थी, लेकिन फैन सर्विस मूवी थी, उनको मजा आया। वारिस ऑफ फुल ऑन मैडनेस, डांस नाच गाना एंड एवरेज मूवी गोइंग ऑडियंस जो अभी 2023 में मूवी देखती है वो बोलेगी इसमें क्या ही नया है, बट ही इज केटरिंग टू हिज फैंस। वो अपने फैंस को निराश नहीं करता एंड हर एक दो फिल्म के बाद एक बाप फिल्म लेकर आता है। लियो इज दैट बाप फिल्म। एक्साइटमेंट ऐसा पागलपना छुआ है कि लिटरली अगर आपको नहीं पता कि देश में क्या चल रहा है तो देश में लियो का बुखार चल रहा है। मुझे नहीं पता नॉर्थ इंडिया में ये फिल्म कितना कमाएगी, क्या कमाएगी, आई मेकर्स को फर्क भी नहीं पड़ता है। एंड आई थिंक यही के लोग थोड़ा तड़प रहे हैं कि क्यों नहीं हिंदी में रिलीज कर रहे, क्या है उनको, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लिटरली बोल रहा हूँ एंड सीरियसली बोल रहा हूँ। ना वो प्रमोट कर रहे हैं, ना वो कुछ फर्क पड़ रहा है। एंड जितने भी नॉर्थ के ऑडियंसेज है, फिल्म का असली एसेंस एंड मजा है ना ओरिजिनल लैंग्वेज में रहता है। मुझे पता है नई लैंग्वेज सीखना आसान नहीं है, गो फॉर द सबटाइटल्स, अब क्या कर सकते हैं, उनका डील है, वो ओटीटी पर 28 दिन में लेकर जा रहे हैं अपनी पिक्चर, इसलिए हिंदी में वो मल्टीप्लेक्सेस इंडिया में नहीं ले रही है पिक्चर नॉर्थ इंडिया में, अब क्या कर सकते हैं। हिंदी में लगने वाली है फिल्म, जगह ढूंढो, थिएटर ढूंढो, जाके देख कर आओ। लेकिन जो पागलपना साउथ में चल रहा है, वी विल सी समथिंग मैडनेस ओवर हियर। ये कोई बाहुबली, ये कोई ट्रिपल आर, ये कोई KGF नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल तलपति विजय फिल्म, बट दिस इज पार्ट ऑफ लोकेश कनगराज। अगर मैं आपको बताऊं कि अब तक की एडवांस बुकिंग सिर्फ पहले दिन की 57 to 58 करोड़ क्रॉस कर दी है, ये पागलपना चल रहा है सिर्फ ओवरसीज में। ऑस्ट्रेलिया, UK, USA, कनाडा, मलेशिया, गल्फ, सिंगापुर, ये सब एडवांस बुकिंग सिर्फ पहले दिन की 38 to 39 करोड़ की हुई है। अरे तमिलनाडु की एडवांस बुकिंग सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ के ऊपर की हुई है। बट वॉट रिकॉर्ड आई एम गोइंग टू शो टूडे। मैंने आपके लिए बहुत ही मस्त एपिसोड जो है तैयार किया है, ये एपिसोड को एंजॉय कीजिए, यू लव एवरी मोमेंट ऑफ दिस एपिसोड। नंबर वन, द हाईएस्ट डे वन ग्रॉस कलेक्शन फॉर एनी तमिल मूवी इन केरला, वो थी तलपति की बीस्ट, 6.70 करोड़ प्लस कमाया था इसने। अभी प्री सेल्स में लियो ने केरला में ऑलमोस्ट 6.25 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर दिया है। कैन यू बिलीव इट? नेक्स्ट सरकारी पिक्चर है, जेलर को बीट कर दिया, जेलर का डे वन ऑलमोस्ट 5.9 करोड़ को बीट कर दिया, बिगले, विक्रम, मर्सल, वारिसु सबको बीट कर दिया। ये पागलपना चल रहा है सिर्फ केरला में, ये एडवांस बुकिंग है। मैं आपको शो टाइमिंग बताऊंगा, दिस इज एन फैन एपिसोड, ऑल तलपति फैंस प्लीज इनको शेयर करो, इनको बताओ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, मेरे से ज्यादा उनको पता है भैया। तमिल मूवीज की बात करूं, कर्नाटका में आई हैव सीन तलपति विजय क्रेज इन कर्नाटका। हम लोगों की सारी पिक्चरों का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के मैं आया हूँ, रिव्यू भी दिया हूँ, इट इज अनदर क्रेज ऑल टूगेदर। हाँ, एंड उन्होंने जब से उन्होंने अलग ऑफ बीट फिल्में साइन करना शुरू किया है, वो एक अलग ही मैडनेस हो चुका है। बात करो गाइस डे नंबर वन की कर्नाटका में, तो अभी के अभी लियो की यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है सिर्फ कर्नाटका में। एंड भाई सरकार ऑलमोस्ट 6.20, बीस्ट है 7.5 करोड़, कबाली है 2.0, जेलर ने 10 करोड़ की एडवांस की थी कर्नाटका में, आई थिंक वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। ये एडवांस बुकिंग है ना, ये पागलपन है, जलजला है। 10 साल का इतिहास है कोचिन में लुल्लू मॉल का, आई थिंक मैं 2015 में मैंने ए दिले मुश्किल देखी थी,
लुलू मॉल में, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स अ कंट्री हैज, एंड वहां पर पहली बार 5:30 बजे का सुबह का शो लियो के लिए रखा है। पीवीआर लुलू कोची मॉल में इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि उसको शोज ऐड करने के लिए 5:30, 5:40, 6:15, 6:40, 7:50, 8:40 रात के 11 बजे के 15 बजे तक के शोज भी है ना, वो सारे के सारे फुल हो चुके हैं। एंड गाइस एडवांस बुकिंग मैंने आपको कहा 57 to 58 करोड़ पार कर चुका है सिर्फ पहले दिन का। तो पहले दिन सोच लो क्या कलेक्शन आएगा, लेकिन व्हाट आई विल टेल यू विल बैफल यू। ये डिफरेंस होता है स्टारडम, स्टार पावर एंड आइडल वर्शिप में। तलपति विजय इज एवरीथिंग फॉर देम। वो उनको पूछते हैं तलपति विजय को, एंड पीवीआर जो कोरमंगला में अपना फोरम था, हम कॉलेज में हुआ करते थे तो फोरम नाम था, एंड अब उसका नाम पीवीआर नेक्सस रख दिया कोरमंगला में, बाप थिएटर है। मतलब वो मॉल में नहीं घूमने गए तो भाई तुम फैशन नहीं हो, भाई फैशन बन जाओ। मैंने धूम 3 देखी थी IMAX में वहां पर, ओके 6:30 बजे का शो। ये कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात क्या ध्यान से सुनो, IMAX वर्जन 2,300 रुपए की टिकट है। ये एवेंजर्स एंड गेम नहीं है, ये अवतार नहीं है, ये कोई 3D पिक्चर नहीं है, ये तलपति की लियो है और फुल हो रहा है शो। मैडनेस एंड लियो का फाइनल मिक्स जो लॉक हो चुका है अनिरुद्ध रविचंद्र, भैया जिसके तबले से आग निकले, जिसके कैसियों में से आग निकले, जो एक ऐसा BGM देगा ना कि पागल होके बाहर निकलूंगा। लियो दास बैडास मां, हम तो तमिल में जा रहे हैं भाई देखने के लिए, पहले दिन सुबह 6 बजे जा रहे हैं मुंबई में, पागल हो जाएंगे। ओके एंड साथ में लोकेश कनगराज खड़े हैं वहां पर। मुझे पूरी फिल्म मालूम है कि एग्जैक्टली क्या स्टोरी है, क्या होने वाली है, बट आई वॉन्ट टू सी वॉट लोकी कैन डू टू दिस फिल्म, आई वॉन्ट टू सी हिज मैडनेस, वॉट ही कैन क्रिएट विद तलपति। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब बात करते हैं अपने फेवरेट इलाके की त्रिची, और साउथ के एपिसोड फॉलो करते हैं उनको पता है एग्जैक्टली त्रिची में क्या कहर होता है। 50-50 हाउसफुल 45-45 हाउसफुल। त्रिची में LA सिनेमा मारिस RGB लेजर, LA सिनेमा सोना मीना RGB लेजर, बेलेक सिनेमा AC डॉल्बी 7.1 त्रिची, सब शो फुल है। सिर्फ 18 तारीख के नहीं, 19 के एंड 20 के भी, 18, 19, 20 टिकट एले नाले बन्नी, कल आओ परसों आओ टिकट लेके जाओ, सब फुल है। 19, 20 सब फुल है। These are mad numbers. And ये cinema में 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 24 shows जो है houseful है। This is madness. इतना ही नहीं, 2,000 feet का banner erect किया है Woodland cinema में ultimate। Singapore first day first show carnival cinema sold out। सबसे बड़ा पागलपना देखो, बुक माई शो पे 1 घंटे में 73,000 टिकट बिकी है। ये शाम का डेटा मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मतलब ये पागलपना तुम लोग देखो तलपति विजय का ना, बंदा घर से निकल के प्रमोशन में आता है और इसको बहुत लोग सीरियसली ले लेते हैं, अरे वो प्रमोट नहीं कर रहे हम भी प्रमोट नहीं करेंगे। भैया वो उसका क्या अलग लेवल चल रहा है, तुम लोग वो देखकर चलोगे तो हो गया, सीरियसली बोल रहा हूँ। एंड गाइस सीरियसली सभी जगह पर रैंपेज रुकने का नाम नहीं ले रहा। IMAX मेलबर्न द वर्ल्ड्स बिगेस्ट थिएटर इज गोना प्ले तलपति विजय इज लियो, एंड IMAX का सब प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो चुका है। दीज आर एब्सोल्यूट क्रेजी साइंस। अब गाइस सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि थोड़ा पॉलिटिकल हो गया है मैटर। तमिलनाडु में लियो को शोज जो है वो सुबह 4 बजे के नहीं दे रहे उन लोग। अभी क्यों नहीं दे रहे, सब बहुत सारा रेवेन्यू, सब बहुत सारी चीजें है, आई डोंट वॉन्ट टू गो देर इन टू ऑल दैट। तो तमिलनाडु में पहला शो 9 बजे शुरू होगा, लेकिन कर्नाटका में 4 बजे, केरला में 4 बजे, AP तेलंगाना 6-7 बजे, एंड अपने नॉर्थ इंडिया में 9:30-10 बजे के बाद जो है वो शुरू हो रहा है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट से फैंस लोग बोल रहे हैं कि आप लोग कृपया करके 4 बजे का शोज रखो, वो पॉलिटिकल मैटर है, अपना को लेना देना नहीं उसमें। बात करते हैं लियो की, तलपति विजय फैंस ने ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की लाइन लगाई थी ब्रॉडवे सिनेमा के पास। इज अ कंप्लीट क्रेजी गाइस। लास्ट मैंने 1 किलोमीटर की लाइन देखी थी जब बाहुबली 1 आई थी, प्रसाद IMAX में लगी थी, उसके बाद मैंने इतनी बड़ी लाइन में देखा हूँ, पागलपना। केरला में 2,55,000 टिकट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पहले दिन की बिक गई है, ये सुबह का डेटा था। अभी आई थिंक वो 3-4 लाख के ऊपर की टिकटें जो है वो बिक गई होगी। तो प्री सेल्स रिकॉर्ड इन कर्नाटका, प्री सेल्स रिकॉर्ड इन केरला, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तमिलनाडु में ऑलमोस्ट 6 करोड़ के ऊपर एडवांस बुकिंग हो गई है, केरला में 6 करोड़, कर्नाटका 6 करोड़, एंड रेस्ट ऑफ इंडिया 1 करोड़, 18-19 करोड़ यहाँ लेके बैठे है। एंड 38 करोड़ रुपीज की ओवरसीज की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 38 to 40, यानी कि 57 to 58 करोड़ का एडवांस बुकिंग करके बैठा है यहाँ पर तलपति विजय। ये एक पागल नंबर है, समझ में आ रहा है।
एंड ऑलमोस्ट 5 मिलियन को समझ लो रात तक की एडवांस बुकिंग हो जाएगी। हाईएस्ट जेलर का एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड टूट गया डे नंबर वन का, पूनियन सेवन 5.1 मिलियन वो भी रिकॉर्ड टूट जाएगा जब तक एपिसोड अब तक पहुंचेगा। आई थिंक उसके बाद कवाली का रिकॉर्ड बनता है, आई थिंक फर्स्ट तमिल मूवी एवर इन द हिस्ट्री जो 7 मिलियन कमाएगी पहले दिन ओवरसीज, वो मुझे लगता है उसका नाम होगा नारायण लियो। क्या चाहिए भाई, ये सब वो ये इतने थिएटर उतने शो फुल बोल गए मतलब नहीं, सब फुल हो रहा है चेन्नई में जितना जितना सब फुल है। वो जब नजदीक आएगा शो उसके बारे में बात करेंगे। डे नंबर वन लियो कहीं ना कहीं 110 करोड़ के ऊपर का, 110 से 120 करोड़ का वर्ल्ड वाइड जो है ट्रैक कर रही है। बहुत कम फिल्में हैं जिन्होंने 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया है। तलपति विजय इज गोइंग टू गेट हिज बिगेस्ट ओपनर एंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एंड दैट इज लोकेश कनगराज लियो। टिकट बुक कीजिए भाई, जो भी भाषा में आपके वहां खुल रही है सब टाइटल ढूंढो और बैठ जाओ। अगर हिंदी लग रही है तो वेरी गुड, वेरी कल से मैं आपको हिंदी की एडवांस बुकिंग भी बताऊंगा। ओके, इसमें साइनिंग ऑफ, यू मस्ट बी वेरी सून, एज ऑलवेज से स्टे कूल।